अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की इस वीडियो में जौन सा रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस ब्रांड का नेम है इडन रोप। और इडन रोप के पहले भी जो ड्रेसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उनका एक्सपीरियंस और उनका जो कपड़ा है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अब मज़ीद जौन सी हैं वो दो शर्ट्स मैंने इनसे मंगवाई हैं और वो वाली शर्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ। एक शर्ट जो है वो लाइट पर्पल से कलर की है, जो दूसरी है वो स्किन से कलर की है। तो इस पार्सल को मैं ओपन करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कौन सी वाली शर्ट्स मैंने मंगवाई हैं और वो कितने की आई हैं और उनका जो कपड़ा वो किस तरह का है। अच्छा जी, पार्सल मैंने ओपन कर लिया। पार्सल के अंदर ये वाली जो हैं वो दो शर्ट्स हैं और एक ये है स्किन कलर की और दूसरी है पर्पल से कलर की। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ पर्पल वाली। ये जो है ये शर्ट मेरे पास आ गई और ये शर्ट है ये वाली। इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। अच्छा जी, इस शर्ट की प्राइस जो है वो 1400। मुझे आलमोस्ट ये जो शर्ट है ये मुझे मिली है 700 की आलमोस्ट। अच्छा ये देखें, ये जो इसका ऑरेंज कलर का बॉर्डर है इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया। ये जो कपड़ा है, इसका जो कलर है, ये जो शर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, ऑल ओवर में है। अच्छा ये जो टोटली इस तरह का प्रिंट है ना, ये पूरी की पूरी शर्ट के ऊपर है और इसका जो कलर है वो बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत। और ये वही समर और विंटर्स के मिड में पहनने वाला ड्रेस है और ये ऑल ओवर में इसी तरह से 3 मीटर की शर्ट है। इसी के अंदर से बनेगी इसकी बैक साइड, इसी के अंदर से बनेगी फ्रंट साइड और बाजू भी बनेंगे इसी के अंदर से। और ये जो बॉर्डर है ये उतार के हम जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक साइड, फिर उसके अलावा बाजुओं के आगे भी। इन्होंने जो है वो फ्रॉक टाइप स्टिच करवाया हुआ है और ऑरेंज कलर की पाइपिंग लगाई हुई है, लेकिन ये जो बॉर्डर है वो यूज़ नहीं किया। लेकिन इसका बॉर्डर बहुत प्यारा है तो इसको शर्ट बना के तो बॉर्डर को उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जो शर्ट है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब इसको देखने के बाद जो दूसरी है ना वो मुझे डल सी लग रही है। अच्छा जी, ये जो थी सेकेंड वाली शर्ट है ये है स्किन कलर की। 1800 इसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन ये सेल पर थी तो मुझे ये मिली है 1200 की। 3 मीटर इसके साथ टिशू की लेस है, एम्ब्रॉयडरी है सारी लेस के ऊपर, और उसके अलावा इसके साथ फ्रंट बैक और स्लीव्स हैं। तो इस शर्ट को मैं ओपन करती हूँ, इसको आप एक दफ़ा कार्ड में देख लें। इसका जो ये कलर है ये स्किन वाला, साइडों पे इसके जो है वो एम्ब्रॉयडरी की लेस लगी हुई है। ये भी कैंब्रिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई इसके साथ टिशू की लेस। इस शर्ट की फ्रंट बैक साइड और बाजू मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी जो ड्रेस अभी मैं शर्ट ओपन कर रही हूँ मुझे बहुत प्यारी लग रही है। इसके अंदर कलर्स बड़े मज़े के हैं। ये देखें, ये सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इसकी फ्रंट साइड। ये जिस तरह से कार्ड के ऊपर दिखाया हुआ है एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे जो है वो इसका गला बनेगा। इस तरह मैंने इसको पूरा ओपन नहीं किया, इस तरह से जो है वो यहाँ पे इस शर्ट का गला आएगा। लाइनिंग के अंदर ये पूरे का पूरा प्रिंट है। उसके बाद आ जाते हैं फ्लावर्स ऐसे घेरे के ऊपर, और ये घेरे के ऊपर फ्लावर्स आने के बाद फिर ये वाला बॉर्डर आता है, और इस बॉर्डर के बाद ये वाला जो बॉर्डर है वो आता है, और यहाँ पे जो ब्लैक वाला बॉर्डर एंड हो रहा है यहाँ पे आके शर्ट की फ्रंट साइड जो है वो ख़त्म हो जाती है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ना कट करके यहाँ से ये वाला बॉर्डर यहाँ पे अटैच किया और ये वाला बॉर्डर नीचे ले गया। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने इसको किस तरह से जो है वो स्टिच करवाना है। उसके बाद आ जाती है मेरे पास इस शर्ट की बैक साइड। इस शर्ट की आप अगर बैक साइड देखें तो इसके ऊपर डिफरेंट तरह का प्रिंट है, फ्लावर्स हैं, लाइनिंग है डिफरेंट कलर्स में, और फिर से ब्लैक कलर के अंदर लाइनिंग, और इसके आगे डब्बियाँ ब्लैक कलर। तो इसका जो बेस कलर है वो स्किन है, उसके ऊपर डिफरेंट तरह की लाइनिंग्स हैं और साथ में ब्लैक कलर है। तो ये हो गई इस शर्ट की बैक साइड, और इस शर्ट की बैक साइड टोटली इस तरह से आ रही है इस प्रिंट में, और डिफरेंट तरह के इसके ऊपर प्रिंट हैं, बॉक्सेस हैं, लाइनिंग है। तो ये जो है ये बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आके इस शर्ट की जो सी बैक साइड है वो एंड हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट के बाजू। इस शर्ट के बाजू भी इसी तरह से लाइनिंग में हैं, और बाजुओं का जो प्रिंट है उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऑरेंज, पिंक और ब्लू कलर के जो हैं वो बाजू हैं, और यहाँ से जो है वो बाजू स्टार्ट हो रहे हैं लाइनिंग में, उसके बाद ये आगे आ जाएगा और उसके बाद ये एंड पे आ जाएगा बाजुओं का बॉर्डर। तब मैं आपको इसकी लेस जो है वो दिखा दूँ। लेस नहीं मैंने आपको दिखाई इसकी। वैसे शर्ट बहुत ज़बरदस्त है, लेस के बगैर भी जो है वो स्टिच हो सकती है, लेकिन इन्होंने लेस लगाई हुई है ये साइडों पे। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी एम्ब्रॉयडरी। यहाँ पे थोड़े थोड़े जो धागे हैं वो कटिंग हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो नीट है, अच्छी है, मगरों नहीं लाया है इन्होंने, सोने तरह बनाया है। दोनों कलर्स बहुत मज़े के हैं, बहुत प्यारे लगे हैं और मुझे अच्छे लगे थे, इस वजह से मैंने मंगवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे दोनों की दोनों शर्ट्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। याद मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्रांड की रिव्यू के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।